हाय फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। चलिए फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, किसमें समस्थानिक गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए परमाणु, बी तत्व, सी यौगिक और डी है अणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी तत्व। सेकेंड क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी सभी। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सभी किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, कौन सा आवेश इलेक्ट्रॉन को वहन करता है? तो ए ऑप्शन है एक यूनिट ऋणावेश, बी एक यूनिट धनावेश, सी दो यूनिट ऋणावेश, डी दो यूनिट धनावेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एक यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक, डी रेडियोग्राफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए होलोग्राफी। नेक्स्ट, तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण है? तो ऑप्शन ए है फोटोमीटर, बी बैरोमीटर, सी बिस्कोमीटर, डी इंटरफेरोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इंटरफेरोमीटर। जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये वायु दाब को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया? जो परमाणु बम का विकास किसने किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी बर्नल वान ब्रान, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुएल कोहेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका आविष्कार किया था, विकास किया था। नेक्स्ट ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कौन किए थे ब्लैक होल का सिद्धांत का? तो ऑप्शन ए है सी वी रमन, बी एच जे भाभा ने, सी एस चंद्रशेखर ने, डी एच खुराना ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी एस चंद्रशेखर ने इनका खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है नोल और रुस्का, बी रॉबर्ट कोच, सी ल्यूमेन हॉक, डी सीपी स्वानसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नोल और रुस्का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है हॉकिंस, रॉन्टजन, सी है मार्कोनी, डी मोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉन्टजन। रॉन्टजन जो है एक्सरे एक्सरे का आविष्कार किए थे।
नेक्स्ट बी हो जाएगा आंसर। दस क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना होता है? ए 5800 डिग्री सी, बी 1000 डिग्री सी, सी 2000 डिग्री सी, डी 4000 डिग्री सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 5800 डिग्री सी, सूर्य का सतह का तापमान लगभग होता है। नेक्स्ट, ग्यारह क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है वह है, कहने का मतलब किसके किसके बीच है, जो खगोलीय दूरी है किसके किसके बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन ए है सूर्य और बृहस्पति, बी पृथ्वी और चंद्रमा, सी सूर्य और पृथ्वी, डी प्लूटो और सूर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, जो कहने का मतलब कि मीथेन किस वायुमंडल में उपस्थित है, सूर्य, बी बृहस्पति में, सी मंगल पर, डी चंद्रमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बृहस्पति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1961 में रखा था, बी 1969, सी 1975, डी 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1969 में पैर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह सर्वप्रथम किसने कहा? न्यूटन, एडविन हबल, गैलीलियो। और डी ऑप्शन है कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एडविन हबल ने ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है का सर्वप्रथम कहा था, बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। ऑप्शन ए हवाई जहाज की, बी सेफ्टी लैंप की, सी टेलीफोन की, डी डायनामाइट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी डायनामाइट की। तो एक क्वेश्चन आज का था एंड होता है, और प्लीज़ क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।